लिखने और उसे पढ़ने में जो संतोष मिलता है वो एसएमएस से नहीं मिल सकता। बेटा एसएमएस का हिंदी रूप लिख लो, मैंने आपको बताया है लघु संदेश सेवा, जिसमें हम अपना संदेश जो है वो कम शब्दों तक के दूसरे तक पहुंचाते हैं। आपको भी पता है एसएमएस जब लिखा जाता है तो उसमें छोटे छोटे शब्द लिखे जाते हैं, तो पत्र जैसा संतोष जो एसएमएस नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें हम अपने विचारों को विस्तार से नहीं लिख सकते और कम शब्दों में हम अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं और कुछ समय बाद इसे समाप्त करना पड़ता है, इसे डिलीट करना पड़ता है। इसलिए पत्र जो है वो काफी लंबे समय तक संभाल कर रखे जा सकते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि ये संतोष एसएमएस से नहीं मिल सकता। सेकेंड क्वेश्चन तुषार, तुषार बेटा इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो नहीं हमने करना, इसमें सिर्फ नेम पूछे गए हैं कि इसमें कागज खत को क्या क्या कहा जाता है। आपको आंसर देना है पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तुषार अनम्यूट करो अपने आप को। मम्मी एक बार रिपीट करना। पत्र जैसा पत्र लेखन की कला के विकास के लिए, कि पत्र लेखन को कला के रूप में विकसित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। सबसे पहला प्रयास क्या था, इसे मैंने अभी स्टार्ट, आरुष बोलो, आरुष क्या किया गया इसे, आरुष मैं पत्र लेखन की कला के विकास के लिए विद्यालयों में उसे एक विषय दिया गया ताकि ताकि स्कूल के विद्यार्थी भी इसके बारे में और जाने। एक पॉइंट सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसको एक पाठ्यक्रम के रूप में, पाठ्यक्रम होता है सिलेबस के रूप में शामिल किया गया जिससे विद्यार्थी भी इस कला को सीख सके। दूसरा प्रयास क्या किया गया इसे और ज्यादा फेमस करने के लिए। अभिनंदन वीडियो ऑफ कर ली, चलो बोलो अभिनंदन क्या किया गया दूसरा प्रयास। एक आरुष ने बता दिया है, सिया पत्र लेखन कला को विकसित करने के लिए, सिया मैम सारा बोलना है, एक पॉइंट बोलो लास्ट जो आरुष ने बोला है उसके अलावा। विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया और इसमें प्रतियोगिताएं के लोग जो है और अधिक अट्रैक्ट हो, एक तो विषय के रूप में शामिल कर लिया गया, दूसरा इसको इस कला को विकसित करने के लिए उन्होंने क्या किया, समय समय पर प्रतियोगिताएं कंपटीशन करवाए गए कि पत्र लेखन के बारे में लोग जो है वो और अधिक हो। और ये सिलसिला कब शुरू किया गया, 1972 में, कि इस कला को में लोगों को एक प्रतियोगिता के रूप में और अधिक उनके मन में इसको कला को विकसित करने के लिए विश्व डाक संघ की तरफ से प्रतियोगिताएं करवाई गई। हाँ जी नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट निष्का नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। पत्र द्रोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं, क्यों? हम क्यों कहते हैं कि एसएमएस हमारी विरासत नहीं बन सकते? पत्र एसएमएस हमारी विरासत इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं लेकिन एसएमएस को कुछ समय बाद डिलीट करना पड़ता है। इसमें तर्क उन्होंने पूछा है कि आपको अपना विचार भी साथ देना है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं अलग से, महात्मा गांधी के पास पत्र कैसे पहुंच जाते थे? बेटा असाइनमेंट भेजूंगी, उसको आज आपने कंप्लीट करना है और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप नहीं लिखोगे, जो भी असाइनमेंट में क्वेश्चन होंगे आप वही लिखोगे। इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज नहीं करनी, जो मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ उसमें वही क्वेश्चन होंगे। वर्डिंग सही की हुई है, इसमें वर्डिंग नहीं सही। हाँ जी
महात्मा गांधी के पास पत्र कैसे पहुंचते थे? माहे महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र मिलते थे।